ये देखिए गाइस मंदिर क्या है, कुछ ऐसा नज़ारा है, थोड़ा बहुत भीड़ है। और ये देखिए मंदिर का पूरा व्यू, और ये देखिए गाइस नेचुरल ब्यूटी, काफी मस्त लग रहा है गाइस। और ये रहा गाइस स्टेशन जहाँ पे हम लोग उतरे हैं अभी, तिरुचिपल्ली जंक्शन। तो ये देखिए गाइस तमिल का भोजन कुछ ऐसा है, ये देखिए सांभर डाल रहे हैं, तो अभी हम लोग खाएंगे, तो चलिए खाते हैं। और अभी हम लोग टैक्सी बुक कर रहे हैं, खोज रहे हैं कहाँ पे है, बुक तो कर लिए हैं पर अभी तक आया नहीं, तो चलिए देखते हैं। हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं सब लोग। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, तो स्वागत है आपका आज का हमारे इस न्यू ब्लॉग में। तो गाइस आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है, तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग में एंड तक बने रहे। और गाइस आज हम लोग मदुरई से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। मदुरई में आए थे एक टेम्पल में, वो टेम्पल में पूजा करने आए थे, तो मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, तो हम लोग मोबाइल कहीं पे जमा कर दिए थे एक जगह, और हम लोग गए थे दर्शन करने। तो दर्शन वर्शन करके आ चुके हैं, और अभी आप लोग को बाहर का व्यू दिखाते गाइस कैसा है। ये सीन आप लोग अक्सर साउथ का मूवी में ही देखे होंगे, रियल लाइफ में तो नहीं देखे होंगे, जो जो यहाँ पे आए होंगे वही देखे होंगे। तो चलिए अभी हम लोग आप सभी को दिखाते हैं यहाँ का टेम्पल का व्यू। देख सकते हैं गाइस हमारे पीछे है ये टेम्पल। ये देखिए गाइस ये रहा बाहर का कुछ ऐसा व्यू, और अंदर का तो अलाव है नहीं, फिर भी देखते गाइस अंदर का जूम करके लेने का कुछ कोशिश करते हैं। ये अंदर में भी गाइस एक एंट्री गेट है, वो जो सामने दिख रहा है वो एंट्री गेट है, इसके अंदर जाना पड़ता है, फिर उसके बाद भी अंदर जाना पड़ता है, तब जाके कहीं लाइन में लग के भगवान जी का दर्शन होता है। तो अभी फिलहाल हम लोग तो दर्शन करके आ चुके हैं। और अभी तो गाइस फिलहाल तो अभी भीड़ भाड़ है नहीं, क्योंकि धूप है ज़्यादा, गर्मी है, इसलिए धूप और गर्मी के कारण भीड़ उतना है नहीं। तो हम लोग का तो दर्शन हो चुका है, और देखिए इधर का मार्केट का कुछ ऐसा है, थोड़ा बहुत मार्केट है, इसके आगे मार्केट है ही नहीं। और ये देखिए गाइस मंदिर के बाहर मार्केट वगैरह लगा हुआ है इधर, और इधर रहा गाइस मंदिर कुछ इस तरह का है गाइस। देखिए गाइस अभी हमारे साथ है बुन्नू, अभी फिलहाल गाइस हम लोग मंदिर से दर्शन करके हम लोग चले आए हैं बाहर, अभी बाहर जाएंगे होटल में खाएंगे, कुछ सुबह से भूख है, तो अभी चलिए। देखिए हमारे साथ ये लोग हैं, आगे आगे जा रहे हैं, हम लोग छः जाना है साथ में, और अभी हम लोग होटल खोज रहे हैं, होटल खोजते खोजते गाइस देखिए हम सब रोड पे पहुंच चुके हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग होटल पहुंच चुके हैं, और ये देखिए हमारे सामने खाना लग चुका है, चावल और सांभर, इनके आगे भी लग चुका है चावल सांभर और चटनी, और परोस भी अभी हमारे आगे भी परोसेंगे, इनके आगे परोस चुके हैं, हमारे आगे भी परोसेंगे, उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो चलिए अभी इनको परोसने दीजिए, ये देखिए दिए अभी अचार, और ये देखिए आगे जाए सांभर, ये रहा सांभर, देखिए कैसे स्टील लग रहा है, बिलन जैसे बिलन टाइप की लग रहा है। चलिए हम लोग के सामने लग चुका है, और ये खाना स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग। तो फिलहाल गाइस अभी हम लोग खाना पीना खा के आ चुके हैं स्टेशन घर जाने के लिए, तो चलिए दिखाते हैं आप सभी को स्टेशन। देखिए हम लोग स्टेशन के पास ही है, हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए गाइस ये रहा मदुरई जंक्शन, रेलवे स्टेशन मदुरई का है गाइस, और अभी हम लोग एंट्री करेंगे एंट्री गेट से। तो चलिए ऐसे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो अभी फिलहाल गाइस हम लोग वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग हैं जो कि बैठ के ट्रेन का वेट कर रहे हैं, और इधर ये लोग मस्ती कर रहे हैं गाइस, काफ़ी सारे लोग बैठे हैं कुछ सोए हुए हैं, तो हम भी यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं ट्रेन का। हम लोग का ट्रेन है 5 बजे, और अभी के टाइम हो रहा है 3 बजे, तो अभी हम लोग 2 घंटा वेट करेंगे यहाँ पर बैठ के, तो पता नहीं गाइस टाइम कैसे पार होगा। चलिए
ऐसे ही बैठ के हम लोग वेट करते हैं अपने ट्रेन का आने का। तो आज का ब्लॉग कैसा लगेगा गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चल गए अभी हम लोग का ट्रेन आ चुका है और अभी हम लोग चलते हैं प्लेटफॉर्म की ओर। तो अभी चलिए चल रहे हैं। ये देखिए गाइस अभी हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं और ये देखिए प्लेटफॉर्म। हम लोग का ट्रेन का टाइम हो चुका है, अब हम लोग का ट्रेन आने वाला है तो चलिए चलते हैं। तो फिलहाल गाइस हम लोग का ट्रेन आ चुका है, यही रहा हमारा ट्रेन, तो चलिए इसमें बैठते हैं उसके बाद मिलते हैं। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग ट्रेन पे चढ़ चुके हैं और अभी हम लोग गेट के पास खड़ा है और बाहर देख रहे हैं, बाहर का नेचर का एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग ट्रेन से उतर चुके हैं और अभी हम लोग ऑटो या फिर टैक्सी खोज रहे हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे घर की ओर। इसलिए इसे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। और ये रहा गाइस स्टेशन जहाँ पे हम लोग उतरे हैं अभी, तिरुचिरापल्ली जंक्शन। और अभी हम लोग टैक्सी बुक कर रहे हैं, खोज रहे हैं कहाँ पे है। बुक तो कर लिए हैं पर अभी ये तक आया नहीं, तो चलिए देखते हैं। हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं सब लोग। तो ये देखिए गाइस हमारा टैक्सी मिल चुका है और ये आया यहाँ पे लेने के लिए, तो चलिए बैठते हैं अभी इसमें, उसके बाद चलते हैं। फिलहाल वो लोग गए हैं टैक्सी से और हम जाएंगे बाइक से। ये रहे जिया जी का दोस्त है और ये रहा उनका बाइक। तो अभी फिलहाल गाइस हम लोग बाइक पे बैठ चुके हैं, निकल चुके हैं यहाँ से। और ये देखिए आगे का व्यू कुछ ऐसा है और वो रहे सामने में हमारी टैक्सी, उसमें फैमिली लोग जा रहे हैं। तो अभी हम लोग अकेले बाइक से जा रहे हैं मस्ती करते हुए। फाइनली गाइस अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं और घर पहुंचते ही हम लोग थोड़ा देर घर में रहे, रेस्ट किए, उसके बाद हम लोग घर से बाहर आ गए पार्क। और हमारे साथ हमारा दोस्त भी हमारे पीछे पीछे आ गया, जो कि ये रहा, ये देख सकते हैं हमारा दोस्त जहाँ भी जाते गाइस ये हमारे पीछे पीछे आ जाता है। और गाइस आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा आप सबको तो बताया नहीं। तो गाइस आज का एक्सपीरियंस ऐसा था, हम लोग का जैसे ही अंदर घुसे तो हम लोग को लाइन में लगना पड़ा काफ़ी, हम लोग 3 घंटे के बाद हम लोग का नंबर आया। उसमें गाइस 2 तरह का दर्शन होता है माता रानी का, जो कि एक फ्री में और एक पैसा देके। तो पैसा देके जाइए गाइस तो उतना काफ़ी मज़ा नहीं आएगा, जो कि मैंने खुद देखा है। और गाइस हम लोग फ्री में किए तो काफ़ी 3 घंटे तक हम लोग को लाइन में लगा रहना पड़ा। 3 घंटे के बाद हम लोग का नंबर आया तब जाके माता रानी का दर्शन हुआ। उसके बाद हम लोग दर्शन करने के बाद हम लोग गाइस फिर चले गए 1000 पिलर देखने, ऐसा नाम सुना था गाइस। पहली बार हम लोग वहाँ पे जाके फेस टू फेस जो कि है हम लोग देखे 1000 पिलर और खुद मैंने काउंट भी किया है गाइस 1000 पिलर, जो कि काफ़ी अमेजिंग एंड बहुत ही अच्छा था। और गाइस ये तो कुछ भी नहीं था, जैसा हम लोग ने एक्सपीरियंस किया वो नेक्स्ट लेवल था गाइस। अंदर जाते ही इतना रहस्यमय, मतलब लग रहा था गाइस रहस्य की दुनिया में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ का हर एक चीज़ वैसा ही रहस्यमय,
जो कि बता नहीं सकते गाइस आपको, वीडियो के जरिए हम लोग बता नहीं सकते। आप लोग एक बार जरूर आके सामने से आप लोग देखें, तभी आप लोग को विश्वास होगा। तो प्लीज़ एक बार आप लोग आके यहाँ पे देखें और इन्जॉय करें इस मोमेंट को। तो आई होप गाइस आप सभी को आज का हमारा ये न्यू ब्लॉग पसंद आएगा। तो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं इसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।